और नारियल इसमें रास्ते में जो सूखे नजर आ रहे हैं खजूर के और दो खजूर के बाद एक नारियल। अच्छा जैतून भी लगाया था आपने? जैतून लगाया ये इसके बाद जो है ना ये भी एक चीकू चल रहा है ना चीकू के बाद बीच में जैतून मिलेगा आपको। चीकू जैतून खजूर और नारियल जी। ये जो सिलेक्शन आपने की है 3-4 की ये क्या सोच के किए मतलब अपने तौर पे जिस चीज़ का शौक है मना ये जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो डिमांड तो अभी इतनी यहाँ पे मुझे नहीं पता इन चीज़ों की कितनी है लेकिन हमने अपने शौक से जो शौक आपको आया जैतून कीनू के घर के बाहर गुलाब लगाए हुए हैं। नहीं मैं वीडियो में बता रहा ये वो पिछली वीडियो में जो रोड मैं नहीं दिखा पाया था मैं अंदर खड़ा हुआ था ये वो रोड है 800 मीटर रोड है और 30 फीट चौड़ा है। सामने इसकी एंट्रेंस है 50 एकड़ ज़मीन जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और एंट्रेंस पे गेट लगा हुआ है और फिर पूरी जो बाउंड्री का बेसिक मकसद जो है ना डिमार्केशन है कि भाई ये यहाँ से हमारी ज़मीन है आसपास जो लोग हैं उनको बताना। लॉक्स की अगर किसी ने आना है अंदर चोरी के लिए किसी भी पर्पज़ के लिए तो वो तो खैर जो ब्लॉक्स वाली दीवार है उसको भी पार करके आया जा सकता है लेकिन इससे डिमार्केशन होगा एक तो दूसरा ये कि जो नज़र आ रहा है नज़र आने को बंद करने के लिए इसके आगे जो ना वो लगा रहे हैं दरख्त लगा रहे हैं तो ये एक अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो गया। ये देखिए ये रोड पूरा आगे तक जा रहा है ये पूरी 50 एकड़ ज़मीन है यहाँ पर ये घर है इनका इसके बराबर में जो है ना यहाँ पर इनका जो ना वो बाड़ा बनाने का इरादा है और बल्कि नहीं बराबर में प्लांटेशन है बाग है बल्कि खजूर है नारियल है और लीमू है और जैतून है और फिर उसके आगे जो ना वो बाड़ा बनेगा डेयरी फार्म और उस तरफ जो मैंने आखिर में आपको दिखाया था वो जो है वो है फार्म हाउस है और फार्म हाउस के आगे झील भी है और उसके साथ ही दो और हैं ज़मीन है तो वो भी जो है ना वो फार्म हाउस बनाया जा सकता है लेकिन अभी प्लान नहीं किया अभी एक ही बन रहा है। ये दरमियान में जो मज़दूर काम कर रहे हैं ये देखें ये पत्थर लगा रहे हैं ये लाल पत्थर है यहाँ के घरों का ये पत्थर से ना बाउंड्री बना रहे हैं क्योंकि दो दो एकड़ के प्लॉट्स हैं और इस रोड के साथ सारे प्लॉट्स जो है ना वो ऐसे टेढ़े टेढ़े हैं मतलब 45 डिग्री कुछ बनता है वो असल में जो मेन रोड है ना मेन रोड के साथ जो है ना मतलब उसके साथ जो है ना वो किया हुआ उसके पैरेलल प्लॉट्स बनाए हुए हैं तो टेढ़े हैं। मैंने इनसे पूछा था कि पहले वाले प्लॉट को ट्रायंगल करके बाकी को बिल्कुल रोड के साथ साथ बिल्कुल रेक्टेंगल क्यों नहीं कर दिया 90 डिग्री पे तो इनका वो भी पॉसिबल था वो भी कर सकते थे लेकिन फिर एक प्लॉट की जगह ख़राब हो जाती तो हमने फिर इसी को प्रेफर किया जगह बचाने को और टेढ़ा प्लॉट बनाने में कोई इशू नहीं है सिमेट्रिक है तो सबको जो है ना रोड फ्रंट बराबर मिल रहा है और सिमेट्रिक भी है पैरेलल लाइंस हैं कौन सा पैरेललोग्राम होता है मेरे ख्याल में वो बना है शायद ये घर है 2000 फीट के ऊपर घर है कंस्ट्रक्शन चल रही है और मैं जिनके साथ आया हूँ वो खुद भी ड्रेस वगैरह अस्सलाम वालेकुम भी ठीक है आप खैरियत से भी अपना जो है ना वो काम शाम खुद करवाते हैं यहाँ पे ये शायद सर्विंट क्वार्टर्स होंगे बाहर की दो कमरे हैं ये अंदर डिज़ाइन ये एंट्रेंस है और गाड़ी वाड़ी खड़ी हो सकती है ये शायद ओपन ही रहेगा जगह कमरे वगैरह जो अंदर है और साइड में बराबर में खाली जगह भी है पार्क वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे पार्क हो जाएगा घर के पीछे बाउंड्री से पहले भी दरमियान में थोड़ी जगह दी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।